ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सोलन के ऐतिहासिक ठोडो मैदान में ग्राहक मेले का आयोजन किया गया। मेले का शुभारंभ केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट अफेयर्स राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम में पूर्व सांसद वीरेंद्र कश्यप विशेष रूप से उपस्थित रहे। इस मेले का मुख्य उद्देश्य बैंकों की सेवाओं को ग्राहकों तक ज्यादा से ज्यादा पहुँचाना था, ताकि भारत से पैसे की कमी को दूर किया जा सके और अर्थव्यवस्था फिर से पटरी पर लौट सके। सोलन के ऐतिहासिक ठोडो मैदान में ग्राहक मेले का आयोजन किया गया। मेले का शुभारंभ केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट अफेयर्स राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम में पूर्व सांसद वीरेंद्र कश्यप विशेष रूप से उपस्थित रहे। इस मेले का मुख्य उद्देश्य बैंकों की सेवाओं को ग्राहकों तक ज्यादा से ज्यादा पहुंचाना था, ताकि भारत से पैसे की कमी को दूर किया जा सके और अर्थव्यवस्था फिर से पटरी पर लौट सके। इस मौके पर केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट अफेयर्स राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि त्योहारों का सीजन चल रहा है। इन दिनों पैसों की आवश्यकता खरीदार और व्यापारी दोनों को रहती है, इसलिए इस कमी को पूरा करने के लिए ग्राहक मेलों का आयोजन किया जा रहा है, ताकि लोगों को आसानी से तरह से प्रभावित न हो सके। उन्होंने बताया कि दिवाली के समीप भी इस तरह के आयोजन किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि समूची दुनिया में मंदी की लहर चल रही है, लेकिन उसके बावजूद भी भारत निरंतर तरक्की कर रहा है और यही कारण है कि मंदी का भारत पर ज्यादा असर नहीं देखा जा रहा है। जो लक्ष्य $5 ट्रिलियन की भारतीय अर्थव्यवस्था का भाजपा ने देखा है, उसे हर हालत में पूरा किया जाएगा। बैंक इस देश की रीढ़ भी है और अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में एक बहुत बड़ा रोल भी अदा करते हैं, और जब त्योहार का सीजन है, लोगों को पर्याप्त धन मिले खरीदारी के लिए भी, व्यापार के लिए भी, बहुत सारे लोगों को अपना व्यापार इस समय बढ़ाना भी होता है और कुल पैसे की आवश्यकता पड़ती है, तो पैसे की कमी कहीं ना हो, सरकार ने पहले बैंकों की रिकैपिटलाइजेशन की, उनके जो घाटे थे उनको दूर किया, फिर उनके जो पैसे फंसे हुए थे इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड ला के, वहाँ से भी बहुत उनके पैसे की रिकवरी हुई, और 3 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक ग्राहकों तक बैंक पहुँचे, उनकी सेवाएँ पहुँचे, ये सुनिश्चित करने के लिए हमने काम शुरू किया है। और देश भर में लगभग 250 स्थानों पर 3 से 7 अक्टूबर तक ये मेले लगेंगे, और इसके कुछ दिनों के बाद फिर दिवाली से पहले 7 दिन फिर ऐसे मेलों का आयोजन किया जाएगा, ताकि ग्राहकों तक बैंकिंग सुविधाएं पहुंच सके, पैसे की कोई कमी ना हो, व्यापार बढ़े, खरीदारी बढ़े, इस दिशा में हम आगे काम करेंगे। जैसे GDP है वो बताया जा रहा है कि काफी डाउन जा रही है, और पिछले 5 वर्षों में ऐसा हुआ, क्या कहेंगे सर, कैसे यानी इसे ग्रोथ करेंगे? पिछले 5 वर्षों में लगातार भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बनी रही, 7% से ज्यादा हमारी ग्रोथ दर थी, और अभी भी अगर आप देखें तो दुनिया भर में जो मंदी है उसके मुकाबले भारत आज भी अच्छा कर रहा है। और कई एजेंसीज ने इसके बारे में कहा कि दुनिया भर में जो मंदी है उसके बावजूद भारत अच्छा कर रहा है, और जो हमने हाल ही में निर्णय लिए हैं इससे और अच्छा करेगा, और जो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी भारत को बनाने का हमने संकल्प लिया है वो बनाकर देंगे, और हिमाचल सरकार भी निवेश करवाने के लिए 7-8 नवंबर को एक बड़ा आयोजन हिमाचल में करने वाली है। मुझे पूर्ण विश्वास है और निवेश आएगा हिमाचल में, और उद्योग लगेंगे और हिमाचल आगे बढ़ेगा।